भगवंत मान इस इलेक्शन तो बाद बदलिया जाएगा। दे आर गोइंग टू चेंज भगवंत मान, ये तो 100% होना है। तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, आ मेरी एक हूँ सुन लो, अरविंद केजरीवाल। बड़े घर के दरवाजे खटखटाए ने, इन्होंने लोगों ने घर के दरवाजे बंद कर दे। अखीर तक साडा साथी जिहड़ा सी उहनूं काबू करके घर चो, उहदा कुते दरवाजे का कुंडा थोड़ा ढिला होना है, उहनूं कढ लिया है, बाकी ने तो कुंडे ही ला ले। कोई घर नहीं छड्डिया, कोई महला नहीं छड्डिया जिहदे घर ना गए, कोई एक ते थोड़ा गए। ये 12वें 14वें आदमी दे कैंडीडेट दे घर जाके अल्टीमेटली इन्हां नूं रिंकू जी मिले। जिस पार्टी को अपना कैंडीडेट है वो साडा मुकाबला की करेगा, बट एक रिंकू जी की जड़ी राजा वड़िंग साहब के सामने अपील सी कि गदारा की फोटो एक कंध वक्री ला दो, वो असी उन्हां दी जड़ी मनोकामना पूरी करांगे। बेरी साहब नूं असी बेनती की थी कि एक दीवार जड़ी है कांग्रेस भवन के पिछले पास उन्हूं कड़ी करा के उत्थे एक स्पैशल लिस्ट लगेगी, जिहदे उत्तों जिहड़े बंदिआं ने औखी कड़ी पिट दी पार्टी की पिठ छुरा मारिया उन्हां दीआं तस्वीरां असी जरूर। सानू तो यह अफसोस है कि जिस कश्ती दे विच रिंकू जी चढ़ गए थे वह कश्ती तो अद्धी पानी च पहले डुब चुकी सी। जलंधर जिमनी चोन ने सियासत नूं पूरी तरह पखा दिता है। आम आदमी पार्टी ने सुशील कुमार रिंकू नूं चोन मैदान दे विच उतारिया है। जिक्रयोग है कि सुशील कुमार रिंकू कांग्रेस का सबका विधायक है। हुण इस मामले नूं लैके प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी ते निशाने साधे ने, नाल ही उन्हां सूबा सरकार की कारगुजारी दे उत्ते भी सवाल खड़े कीते ने। साडा कोई मुकाबला है नहीं, जिस पार्टी को अपना कैंडीडेट है वह साडा मुकाबला की करेगा। मैनू एक गल समझाओ, एक साल की पार्टी ताकत दे विच आम आदमी पार्टी, एक साल तो बाद उन्होंने बगानिया पार्टिया चो कैंडीडेट लभना पै जाए, तो कोई घर नहीं छड्डिया, कोई महला नहीं छड्डिया जिहदे घर ना गए, कोई एक ते थोड़ा गए। ये 12वें 14वें आदमी दे कैंडीडेट दे घर जाके अल्टीमेटली इन्हां नूं रिंकू जी मिले, तो जदों अपना वह मतलब कि इन्हां को आम आदमी पार्टी का मैं समझना सीधे तौर बहुत बड़ा जलूस है। इन्हां नूं ना अपने MLA ते कोई इन्हां नूं विश्वास है, ना इन्हां नूं अपने कार्डस ते विश्वास है। जे कोई लड़ाना ही सी, जे तुहाडे कोल बंदा कोई नहीं सी, कोई कैबिनेट चो इस्तीफा दे के लड़ा लेन, उहदा मतलब इन्हां ने इस गल नूं एक्सैप्ट कर लिया कि बेसिकली कांग्रेस का साडे कोल बदल है नहीं। सो दे चोज अ फॉरवर्ड कांग्रेसमैन कांग्रेस चो लभ के लिआंदा। बड़े घरां दे दरवाजे खटखटाए ने इन्हां ने, लोगों ने घर के दरवाजे बंद कर ले। अखीर तक साडा साथी जिहड़ा सी उहनूं काबू करके घर चो, उहदा कुते दरवाजे का कुंडा थोड़ा ढिला होना है, उहनूं कढ लिया है, बाकी ने तो कुंडे ही ला ले। सर एक वीडियो भी जिहड़ी सामने आई है, क्योंकि जो राजा वड़िंग ते जिला प्रधान उत्थे बैठे सी, उस वक्त रिंकू जी ने कहा सीगा कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी च गद्दार है तो उसकी पहला फोटो उत्थे लगा देनी चाहीदी है, उस वक्त जे उहदी पिठ च कोई छुरा मार के जांदा उहदी वापसी का वक्त कोई नहीं। बट एक रिंकू जी की जिहड़ी राजा वड़िंग साहब के सामने अपील सी कि गदारा की फोटो एक कंध वक्री ला दो, वो असी उन्हां दी जिहड़ी मनोकामना पूरी करांगे। बेरी साहब नूं असी बेनती कीती है कि एक दीवार जिहड़ी है कांग्रेस भवन के पिछले पास उहनूं कड़ी करा के उत्थे एक स्पैशल लिस्ट लगेगी, जिहदे उत्तों जिहड़े बंदिआं ने औखी कड़ी पिठ दी पार्टी की पिठ छुरा मारिया उन्हां दीआं तस्वीरां असी जरूर लवांगे। कल भगवंत मान ने भी स्टेटमेंट दित्ती सी कि असी पहला सर्वे करावांगे, उस दे बाद जिहड़ा ऐलान करांगे। तुहानूं नहीं लगदा सर्वे कुछ जल्दी करा लिया? इन्हों का अपना सर्वे ही हो चुका जी। सानू तो यह अफसोस है कि जिस कश्ती दे विच रिंकू जी चढ़ गए थे वो कश्ती तो अद्धी पानी च पहले डुब चुकी सी। सानू अफसोस है इस गल कि रिंकू जी का एक चंगा फ्यूचर सी कांग्रेस दे विच, वो अपना फ्यूचर छड्ड के उस कश्ती सवार हो गए ने जिहदी अद्धी विच पहले पानी भर चुकिया सी। ते अल्टीमेट तुहानू रिजल्ट पता ही की है। वेखो मेरी पहले भी प्रडिक्शन सी, अज भी है, आम आदमी पार्टी वुड बी प्लेस्ड एट नंबर 4।
ये चौथे नंबर पर होंगे, ना इन्हों चू शहर चु किसी ने वोट पानी, ना इन्हों पिंड पानी। इट्स अ कंप्लीट फेल्ड गवर्नमेंट, इट इज़ अ फेल्ड चीफ मिनिस्टर। जिहड़ी पार्टी ये अगे विचार रखती सी कि दूजिया सियासी जमातों चो असी कोई भी बंदा कभी आम आदमी पार्टी लिया के उन्हों दाखिल नहीं करांगे, साढ़े को अपना असी साधारण बंदियां नू टिकटां दिया करांगे। अज वो कुछ उन्होंने किया, इट शोज़ कंप्लीट बैंकरप्सी ऑफ द आम आदमी गवर्नमेंट। इन्होंने खुद कंसीड कर लिया कि साढ़े पल्ले कुछ नहीं। देखो संगरूर दे विच भी आम आ रहे, कुछ वक्रे होणगे नहीं। देखो वक्रा जिहड़ा होना है वह तो तुहानूं दस ही दिता है, जिहड़ा वक्रा होना तुहानूं दस दिता है। कांग्रेस जित रही है, आप हार रही है। इस इलैक्शन तो बाद मेरी पहले भी पेशगोई सी कि भगवंत मान इस इलैक्शन तो बाद बदलिया जाएगा, दे आर गोइंग टू चेंज भगवंत मान। इतने 100% होना, इतने चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? आ मेरी एक हुण सुन लो, अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने यदि गल मुक चुकी है। जो पंजाब दे विच वड्डे पैमाने ते आ गुंडागर्दी हो रही है या जो कुछ भी पैरामिलिट्री फोर्सेज लियांदियां गईयां ने, इह दोनां दी बकायदा तौर अंडरस्टैंडिंग नाल सारे काम हो रहे हैं। एंड ऑलरेडी ए प्लैन इज़ इन ओपरेशन कि केजरीवाल वेखो तुहानूं एक मैं तुहानूं एक अजीबो गरीब चीज़ दसना, कई बार हो जाती सच्चाई किस तरह बाहर आ जाती। कल केजरीवाल जदों आया पटियाले योगा दे अभियान नूं शुरू करन वास्ते, जिहड़ी स्टेज इन्हां दा कंपेयर सी, जिहड़ा सारों बेस्ट असी स्पीकर स्टेज सैकटरी बना, उन्हें उदों ऐलान कर दिता पंजाब दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। तुसीं सुणिया होणा, तुसीं सुणिया प्रैस वाले ने कि नहीं सुणिया? तो मैं तुहानूं हुणे सुणा दिंदा, सुणना जे जे नहीं सुणिया तो हुणे सुणा दिंदा, मेरा फोन फड़ाई सुण लिया ने सुणा। तो आह हाल है, तो वो मूँह चो निकल गया या कढ़वाया इन्हां ने। ये जमात यहोजी है, कुछ भी कर सकती है। सो भगवंत मान की ये बेसिकली 13 मई तो बाद समझो बाय द एंड ऑफ मे या फर्स्ट वीक ऑफ जून भगवंत मान विल गो। ये सारिया चीज़ा जड़ियाँ पोस्ट इलैक्शन सारे एक होके लड़नगे, सारे एक होके लड़नगे, सारिया के विचार ले जाएंगे, सारी लीडरशिप इकट्ठी होएगी, सारे वैस्ट हल्के साथी इकट्ठे हो गए। पहले तो परमात्मा वर्गों उन्होंने सानू पूर्ण फेत है अपने वीर राणा जी ते लाडी जी ते साड़ी भैन जिहड़े साडे कैंडीडेट ने, साडे जिन्ने काउंसलर्स ने, साडे जिला प्रधान जिहड़े ने। मैं इस गल की शाबाशी स्पैशली दूंगा बेरी साहब, जिस किस्म का रोल इन्होंने अदा किया। किसी टाइम पुराने कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष करते होंगे, यस प्लेड अ वेरी पिवटल रोल। सारी सानू वड़ी खुशी की गल है, दो काउंसलर्स नू छड़ के एक जेडे रिंकू जी उन्हां दी वाइफ जेडी खुद काउंसलर सी, एक उन्हां दा एक होर आदमी जेड़ा 24 घंटे उन्हां दी जेब च ही रहिंदा सी, ओह दो बंदे गए, सारे दे सारे काउंसलर्स देते। एंड उन्होंने यकीन दवाया सारी लीडरशिप नू कि ऐतकी मैक्सिमम लीड जेड़ी वह जी वैसट हल्के चो आएगी। एंड साडे भाई जड़े ने साड़ी इलैक्शन के इंचार्ज जड़े ने राणा जी ने, उन्हें कहा कि दफ्तर लभो, मैक्सिमम टाइम ही विल कॉन्सनट्रेट एंड ही विल टेक ओवर द रेन। सारे साथियों नू नाल लैके घरों घर जाना पेगा, मैं भी जावांगा, साढ़े होर भरा भी टाइम कढ़णगे, साडा जिला प्रधान भी, साड़ी भैन जिहड़े कैंडीडेट ने करमजीत कौर, सारे ही साडे ब्लॉकां दे प्रधानां तों लैके इस इलैक्शन नू सारे नू वड्डा सी एज ए चैलेंज कबूल कर लिया। सुशील रिंकू जी दा जो दफ्तर दा उद्घाटन कीता गया, उत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई, लेकिन जिहड़े वैस्ट हल्के तों विधायक ने शीतल उंगराल उन्हां नू लियांदे होए उत्थे काफ़ी समां लग्गिया, 2-3 घंटे का समां रहा, पर कोई जिहड़ी चेहरे ते मुस्कान सी ओह वी नज़र नहीं आई, उहनूं किवें देखदे हो? देखो तुसीं समझ सकदे हो एक म्यान दे विच दो तलवारां पै सकदियां, ते दोनों तलवारां खुंडियां ने। तुसीं आपे वेख लियो कि जिहड़ी कोई वोट इन्हां नूं पैणी सी ओह वी लभणी, इन्हां ने गिनती चों कुड़ते झाड़दे निकलना, इन्हां नूं लभणा कुछ नहीं। तो दे आर फेसिंग एमिनेंट डिफीट। ये मेरा ख्याल सारिआं नालों पोलीटिकली इमैच्योर जे कोई कदम आपने उठाया तो यह किया कि जिथे तुहाडे कोल सिटिंग MLA है, दैट मीनस तुसीं सिटिंग MLA नूं कॉन्फिडेंस ही नहीं लिया, उत्थों दे लोकां नूं कॉन्फिडेंस नहीं लिया, अपने काडर नूं कॉन्फिडेंस नहीं लिया, जिन्हों हुण
कई घंटे मजबूर करके तुसी इहदे दफ्तर च लियांदा, तुसी समझदे हो कि एक दूजे नाल चलणगे जी। तो ये मैं समझना जिस किस्म के हालात आपने आप क्रिएट कर लेने, ये टोटल इमेच्योरिटी ऑफ द आप लीडरशिप एंड बैंकरप्सी ऑफ द लीडरशिप साबित हो रही। अज नवजोत सिंह सिद्धू भी मिले ने राहुल गांधी नूं, प्रियंका गांधी नूं, ते हो सकदा है कि एक दो दिन च वो इत्थे आणगे। की लगदा है कि पार्टी हुण उहनां नूं कोई वड्डी जिम्मेदारी दी? देखो इस बल इस गल दी जिम्मे इस गल दा जिहड़ी स्टेटमेंट है या कोई कोई इस ते कोई टिप्पणी है वो ते पार्टी दी सेंट्रल लीडरशिप ही कर सकदी है। मैं तो ये बारे कह कुछ नहीं सकता, बट असी वेलकम कर रहे हैं, वो इतने आन पार्टी वास्ते अपनी सेवा निभान। हमेशा कोई पोस्टा नाल गल नहीं होंगी, असी भी बड़ा चिर काले पानी रहे हैं, अभी पार्टी थोड़ा छड़ी, असी तगड़े होकर पार्टी नाल रहे हैं। तो इस गल कर एंड ही इज़ कमिंग आफ्टर लोंग टाइम, सो ये अपना रोल जो भी बनता होया निभान चाहिए। तैयार दस दी कि जलंधर जिमनी चोन नूं लै के सियासी धिरां पूरा जोर लगा रही ने। हुण देखना होगा कि जिमनी चोन दे विच किहड़ी धिर बाजी मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहलां पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लैके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन के, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਚੰਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।